हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम हैदर है। मैं आज आपको बताऊंगा कि वाटर सॉफ्टनर कैसे काम करता है और वो किस तरह का होता है। ठीक है जी। ये है जी वाटर सॉफ्टनर लगा हुआ। सबसे पहले जो होती है, इसके अंदर एक वेसल होती है जिसके अंदर सैंड और ग्रेवल होते हैं। ये ग्रेवल और सैंड ये क्या करते हैं, ये पानी में मट्टी, रेत, जंग, गई जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको रोकते हैं। ठीक है। ये सैंड ग्रेवल की वेसल होती है, यहाँ पे पानी फिल्टर होता है। पानी के अंदर जितनी भी मट्टी, रेत, जंग, काई जो होती है वो इसके अंदर रिमूव होती है। इसके ऊपर एक वॉल लगा हुआ है जिससे आप इसको बैकवॉश करते हैं डेली और इसको फॉस चेंज करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद पानी यहाँ से प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद इस जम्बू कार्ट्रेज में चला जाता है। इस जम्बू कार्ट्रेज जो है ये आपको 5 माइक्रोन तक फिल्ट्रेशन एक्स्ट्रा करके देता है। उसके बाद पानी नेक्स्ट वेसल में जाता है। इस पानी के अंदर रेजन होता है। वो रेजन क्या करता है कि जो आपके पानी में सिल्ट आ जाती है, जैसे ग्रू की फिटिंग लगी हो, जकूजी बात हो या कॉफ़ी शॉप्स हों, उसके अंदर जो पानी के अंदर सिल्ट आ जाती है, शॉवर के अंदर आ जाती है वाइट वाइट सी, तो इससे आपके पोर्स उसके बंद हो जाते हैं, या आपके घर के बर्तन हैं जो बर्तन ख़राब हो जाते हैं, या कुछ लोगों को डैंड्रफ हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, बालों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो पानी आपका हार्ड हो जाता है। उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसके अंदर रेजन लगता है। वो रेजन का रेजन जो होता है, रेजन मीडिया जो होता है, वो पानी को सॉफ्ट कर देता है, बिल्कुल जैसे डब साबुन होता है उस तरह का। सॉफ्ट करने के बाद यहाँ से पानी प्रोसेस होने के बाद फिर आपके टैंक में चला जाता है और टैंक से आपके पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपके पूरे घर के अंदर आपका पानी हार्ड है, आपकी फिटिंग बहुत एक्सपेंसिव है, आपका नया घर है, या आपके बर्तन ख़राब हो रहे हैं, या आपको स्किन प्रॉब्लम है, या बालों की प्रॉब्लम है, तो इस सिस्टम को अपने घर पर ज़रूर लगवाएं। ये वाटर सॉफ्टनर है, ये पूरे घर में लगता है, ये पूरे घर के पानी को आपको फिल्टर कर देगा और पानी को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।